हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों इंजन अमल टेक्नोलॉजी में। आज हम लोग सैमसंग का मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले हैं, जो कि कस्टमर अभी लेके आया, बोल रहा है कि ये ऑन नहीं हो रहा। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला काम इसको चार्ज लगा के देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने इसको चार्ज लगा दिया है दोस्तों और ये चार्ज नहीं ले रहा। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको पहले ओपन करते हैं, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, ट्रेस करते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग पहले बैटरी चेक करेंगे, बैटरी कितना चार्ज है दोस्तों। यहाँ मल्टीमीटर लाएंगे, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। 20 वोल्ट पे ले जाएंगे, 20 वोल्ट पे ले जाके एक माइनस पे रखेंगे दोस्तों रेड वाला को, और एक प्लस पे बैटरी कनेक्टर के पास रखेंगे। बैटरी के कनेक्टर पर देख सकते हो दोस्तों 2.56 चार्ज है बैटरी दोस्तों। इतना में तो मोबाइल ऑन हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग मोबाइल को भी शॉर्ट भी चेक करते हैं, मोबाइल शॉर्ट उठ तो नहीं दोस्तों। देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे बीप मोड पे कर चुका हूँ, यहाँ पे बीप मोड पे मैं कर चुका हूँ मल्टीमीटर को। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे एक ग्राउंड कर लेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे बैटरी कनेक्शन का। दोस्तों देख सकते हैं कि ये 400 रीडिंग दे रहे हैं, तो ये अच्छा है दोस्तों। ये शॉर्ट नहीं है मोबाइल, एक बार और इधर कंट्रीब्यूटिंग, ये बीप की आवाज़ भी आ रही है दोस्तों, और यहाँ पे BS की लाइन भी इसका ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये शॉर्ट भी नहीं बता रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मल्टीमीटर पर साइड करते हैं पहले, और नहीं मल्टीमीटर से एक चीज़ और चेक कर लेंगे दोस्तों। 20 वोल्ट पे करके दोस्तों हम लोग चार्जिंग एक बार खोज करके इसका वोल्टेज देख लेंगे, ये वोल्टेज सही दे रहा है या नहीं। एक बार दोस्तों हम लोग देख लेते हैं वोल्टेज सही दे रहा या नहीं। दोनों बैटरी कनेक्टर के साइड साइड से सिरे पर लगा लेंगे, देख सकते हो दोस्तों ये वोल्टेज 4.3 कुछ करके देख सकते हो दोस्तों। ये वोल्टेज का भी घट रहा है, अब देखिए दोस्तों अब वोल्टेज ठीक आ रहा है, इसका रीडिंग भी ठीक है, ये चार्जिंग भी ठीक है दोस्तों। वोल्टेज इसका सही आ रहा है, 4 कुछ करके आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको ओपन करते हैं। चलिए दोस्तों ओपन करते हैं इसको। एक्चुअली दोस्तों मैं हड़बड़ में मॉडल बताना भी भूल गया, मैं मॉडल अभी बताऊंगा इसको। पहले नट को खोल लेते हैं दोस्तों, मैंने नट को खोल लिया दोस्तों। तो ये मॉडल है दोस्तों सैमसंग का है, GT E1215 मॉडल है दोस्तों। E1215 मॉडल है दोस्तों सैमसंग का, ये E1215 मॉडल, इसमें ऑन नहीं हो रहा सेट, कस्टमर का कहना। चलो दोस्तों हम लोग इसको ओपन करते हैं। हेलो दोस्त, जैसे कि आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा दोस्तों क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। आप वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, साइड से फंसाया रहता है दोस्तों, तो इसको साइड से निकाल लेना आराम से, अच्छे आराम से निकालना दोस्तों। ज़्यादा हड़बड़ में निकालेगा तो इसका माइक टूट जाएगा दोस्तों। देखते दोस्तों हम लोग ने ओपन कर लिया दोस्तों। फर्स्ट काम, पहला जो काम होता है मोबाइल में, हम लोग पहले इसको स्टील को ओपन कर लेते हैं। स्टील को दोस्तों ओपन करेंगे हम लोग, देख सकते हो दोस्तों मैंने स्टील को ओपन कर लिया है। अब दोस्तों मैं इसको क्लीन करूंगा दोस्तों, एक बार क्लीन करके देख लेता हूं दोस्तों। मैं थिनर लेके या फैलकॉन कुछ भी ऐसा हो, पेट्रोल से भी आप क्लीन कर सकते हैं दोस्तों। पूरे बॉडी को पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिए दोस्तों, सब जगह क्लीन कर लीजिएगा दोस्तों अच्छे से। जैसे कि दोस्तों मैंने इसको क्लीन कर लिया, अब मैं इसको हीटिंग मशीन से हीट करूंगा दोस्तों, और वोल्टेज मैं 300 के आसपास रखूंगा SMD मशीन का दोस्तों। हम लोग हल्का हल्का इसको हीट देंगे सब जगह, ज़्यादा हीट नहीं देंगे दोस्तों, IC के पास ज़्यादा हीट नहीं देना है दोस्तों, सब जगह हल्का हल्का हीट देना है दोस्तों। हीट दे दिए हैं दोस्तों हम लोग, थोड़ा सा 10 सेकेंड वेट कर लेंगे थोड़ा सा, IC को ठंडा होने देंगे, सब हीटिंग का दोस्तों, क्योंकि हीट मैंने कर दिया इसको। देख सकते हैं दोस्तों ये, अब मैं इसको एक बार बैटरी में थोड़ा सा कार्बन टाइप में जमा दोस्तों, इसको रगड़ लेंगे हल्का सा। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको ऑन करके एक बार ट्राई करते हैं, ये ऑन होता है या नहीं, इसको ऑन करके देखते हैं क्या ये सीट ऑन होता है या नहीं।
तो जैसे कि सोच, तो ये तो अभी ऐसे ऑन नहीं हो रहा बटन से, अभी इसको चार्ज लगा के देख लेते थे। देख सकते दोस्तों ये चार्ज उठाने लग गया। जैसा कि दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि कार्बन वर्बर जमने के कारण गंदा या पानी में अगर सीट जया रहता है, कस्टमर बताता नहीं है, तो एक बार खोल के दोस्तों पूरा फ्रेश से अच्छे से चेक कर लेना चाहिए दोस्तों कि प्रॉब्लम है क्या इसमें आके। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो को पूरा सोल्यूशन करके बताया आपको कि कोई सैमसंग का कोई हार्ड मॉडल था नहीं है। ये मॉडल था सैमसंग दोस्तों E1215 मॉडल था दोस्तों, जो मैंने आपको ऑन करके दिखा दिया सबसे सिंपल तरीका है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।